त्र्यम्बकं यच्छामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। आपके सुखों के लिए तत्पर एनर्जी गुरु जी अधिकांश समय साधनाओं और अनुसंधान में लीन रहने वाले एनर्जी गुरु राकेश आचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव को ही गुरु बनाकर अपना जीवन उनके अधीन कर रखा है। कॉस्मिक एनर्जी पर उनकी रिसर्च विश्व में अद्वितीय है। एनर्जी रिपोर्ट उनकी रिसर्च का एक उत्कृष्ट नतीजा है जिसके जरिए विश्व में पहली बार किसी भी व्यक्ति की आने वाली ऊर्जा को रीड किया जा सकता है। इससे पहले स्कैनिंग करके लोगों की वर्तमान ऊर्जा का ही पता लगाया जा सकता था। अपनी असाध्य समस्याओं को लेकर हजारों लोग गुरुजी तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि आप उनके पास आ गए, बस यही आपका उपाय है। अब आप एंजॉय करें, आपकी बताई समस्याओं का समाधान गुरुजी खुद कराएंगे। इसके लिए गुरुजी की आचार्य टीम और एनर्जी टीम लगातार काम करती है। इसके लिए गुरुजी उसी समय आपकी समस्या सुनेंगे और उनका उपाय करने के लिए अपनी टीम को निर्देश देंगे। बदले में जो गुरुजी चाहते हैं वो है आपके चेहरे पर खुशी और आपके जीवन में सुख। तो आप भी आएं गुरुजी के पास और मुस्कुराते हुए वापस जाएं। राम राम। मृत्युंजय योग में आपका स्वागत है। आपका अपना प्रोग्राम, आपका अपना परिवार। आपके जीवन को सुखों से भर देना है। जीवन के दुख समस्याएं हट जाएं, इसके लिए अपनी ऊर्जाओं को ठीक करना है। आभामंडल और ऊर्जा चक्रों को ठीक करना है। कोई भी समस्या है जीवन में, तन की मन की धन की कर्ज मर्ज कलह परेशान कर रही है, तो आप कॉल कर लें। मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगा और बताऊँगा आपके जीवन में क्यों परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं, क्यों परेशान किया जा रहा है ऊर्जाओं के द्वारा आपको, किन ऊर्जाओं को ठीक करना है और कब ठीक करना है, कैसे ठीक करना, मैं आपको बताऊंगा। इंतजार करूंगा मैं आपके कॉल की। इस बीच हम आपको बता दें कि कल हमने आपको बताया था कि घर में घी का दिया क्यों ना चलाएं या कोई भी दिया ज़्यादा देर तक क्यों ना चलाएं। बात ऊर्जाओं की है। जब भी दीपक शब्द आता है तो मन में पहला विचार क्या आता है? प्रकाश देने वाला एक यंत्र। अगर दीपक हमारा प्रकाश देने वाला यंत्र है तो आज हमारे पास ट्यूबलाइट, बल्ब, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो दिए से ज़्यादा प्रकाश दे रही हैं। फिर दिया क्यों जलाया जाए पूजा पाठ के समय, इस पे हम चर्चा करेंगे। किस तरह से जैसे आपके जीवन में आपकी बिगड़ी हुई पूजा पाठ समस्याओं को लेकर आपके परिवार में आ जाती है, आपके जीवन में आ जाती है, वैसे ही ये दिया भी आपके परिवार में समस्याएँ लेके आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्यों आता है, इसका वैज्ञानिक पक्ष मैं आपको बताऊंगा। कैसे इससे बचेंगे इस पे बताएंगे। आज हमारे साथ एक मेहमान है, शिवप्रिया जी। शिवप्रिया बहुत अच्छी संजीवनी उपचारक है, बहुत अच्छी हीलर हैं। इनको संजीवनी को ठीक करना आता है। लोग इनके पास रोते हुए आते हैं तो इनमें वो कला है, इस विज्ञान पे जानकारी इनको है जिसके जरिए ये लोगों को हंसते हुए भेज सकती हैं। कैसा ही रोग हो, कैसी ही परेशानी हो, ये ऊर्जाओं को ठीक कर लेती है। शिवप्रिया अच्छी साधक है। एक साधना मैं कर रहा था ज्ञात अज्ञात जान लेने की। कोई व्यक्ति सामने आए, आपको पता चल जाए कि ये क्यों आया है, आपको पता चल जाए कि इसके साथ क्या परेशानी चल रही है, आपको पता चल जाए कि ये आपके बारे में क्या सोच रहा है, और आपको पता चल जाए कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो आपसे चाह रहा है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी एक साधना होती है। उस साधना को मैंने जब शुरू किया था तब मैंने सोचा था कि मैं उसको बहुत लंबा चलाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ 1.5 साल चला पाया। उसी साधना को मैंने शिवप्रिया को शुरू कराया और ये उसको लगातार 3 साल हो चुके इनके और लगातार जारी रखे हुए हैं। अच्छी साधक हैं ये, अच्छी संजीवनी उपचारक हैं। इनके पास ये गुण है कि आपके तीसरे नेत्र को पढ़ लेती हैं। आप इनके सामने बैठेंगे, ये आपके तीसरे नेत्र को रीड करेंगी और आपको बताएंगी कि आपके जीवन में कब क्या घटना घटी थी। ये इनको बताना आता है, ये जान लेती हैं उस चीज़ को, कब कौन सी घटना घटी थी। आप हो सकता है उस घटना को भूल चुके हों, ये आपको बता देंगी कि इस तारीख को, इस दिन को, इतने बज के, इतने मिनट, इतने सेकंड पे ये घटना घटी थी।
उसका ये प्रभाव अभी भी जीवन में है। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सी चोटें ऐसी होती पुरानी जिनमें पास्ट लाइफ में जाकर के ठीक करना होता है, उसके लिए पता लगाना होता है। कोई भी चोट लगी है ताजी ताजी ठीक की जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी जब शुरू होती है अगर उस समय उसको ठीक किया जाए तो जल्दी रिकवरी हो जाती है। इसीलिए पास्ट लाइफ में जाकर के पता लगाया जाता है कि ये बीमारी कब शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, अगर वहीं उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो जल्दी उपचारित हो जाता है। सुविधाजनक इस चीज़ को ये कर लेती हैं, और इनकी खासियत ये है कि लोगों को ये सिखा भी देती हैं। आप अगर इनके पास सीखने आते हैं, सिखाने का कोई पैसा नहीं लेती, कोई फीस नहीं लेती हैं ये, अगर आप इनके पास सीखने के लिए आते हैं तो ये आपको सिखाएंगी कि कैसे दूसरों के जीवन में आप घुस जाएं, कैसे किसी के तीसरे नेत्र के अंदर आप प्रवेश कर जाएं और पता लगा के आ जाएं कि इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। उसी समय सिखाएंगी, उसी समय करा के भी दिखाएंगी आपसे। एक दूसरा व्यक्ति ऐसा बैठा होगा साथ में जो आपसे अपरिचित, आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में आपसे जानकारी मांगेंगे और आप बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देने लग जाएंगे। इनके साथ फला आज से 20 साल पहले ये तारीख थी, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे ये घटना हुई थी, उसका आज ये प्रभाव है। इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये आएंगी मेरे साथ बैठेंगी, जिन लोगों से मैं फ़ोन पे बात करूँगा, जिनकी कॉल्स मैं सुनूंगा, उनकी एनर्जी को मैं रीड करूँगा, ये भी रीड कर लेंगी। आवाज़ के जरिए ये भी रीड कर सकती हैं, ये उस चीज़ों को रीड करेंगी, उनकी प्रॉब्लम को रीड करेंगी, घर वापस जाके उनकी एनर्जी को ये ठीक करेंगी। मैंने अनुरोध किया था कि मेरे साथ आप आइए बैठिए और उनकी ऊर्जाओं को ठीक करिए जो मेरे से फ़ोन लाइन पे कनेक्ट हो रहे हैं लाइव के दौरान। तो आज जो लोग मुझसे फ़ोन पे कनेक्ट हो रहे हैं उनकी ये एनर्जी को ठीक करेंगे, संजीवनी उपचार करेंगे, कल से ही उनके जीवन में बदलाव दिखाई पड़ेगा। तब आप लोग अपने घर में बैठ के इनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। कॉलर इंचार्ज करें, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं। जी राम राम गुरु जी। राम राम जी। मेरा एनर्जी लेवल कितना है और फाइनेंशियली मैं कितना लाइफ में ग्रोथ कर पाऊंगी? कितना चाहती हो आप? बहुत बहुत चाहती हूँ। बहुत बहुत मिलेगा आप जब हमसे बात करें तो, कितना उतना भूल जाएं। आप सिर्फ ये बताएं चाहिए कितना आपको, वहाँ तक पहुँचाया जाए, यही तो एनर्जी का करिश्मा है। बहुत हाई लेवल पे पहुँचना है। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल। काजल क्या करते हो आप अभी? मैं रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी हुई हूँ। रियल एस्टेट मार्केट से, ठीक है। आप आंखें बंद करें और 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काजल बहुत अच्छा लगा, आपके सपने बड़े हैं और आपका हौसला भी बड़ा है। बस ये फलीभूत हो जाए, जितना आप चाह रही उससे भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, इसकी गुंजाइश आपके पास में। अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करके रखिएगा, पूजा पाठ को संतुलित करके रखिएगा। एक भी पूजा आपके द्वारा या खुद ना की जाए या ना दूसरों से ऐसी कराई जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो भी अनुष्ठान आप किसी से कराने जाएँ उसकी जब बहुत ज़रूरत हो तो ही कराएँ। जो मंत्र आप जपें वो भी वही जपें जिसकी ज़रूरत है, अन्यथा ना जपें, क्योंकि आपके एनर्जी में कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो अनावश्यक ली गई ऊर्जाओं के जरिए आपके कामकाज को रोकेंगी, आप में रुकावट पैदा करेंगी। बस इतनी सी चीज़ से अगर आज बच गई, बाहर से आने वाली ऊर्जाएं, गैर जरूरी ऊर्जाएं आपके पास ना आने पाए, आपको कोई नहीं रोक सकता है वहां तक पहुंचने में जहां आप पहुंचनी चाहती हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मूलाधार चक्र को ठीक करें, अनाहत चक्र को ठीक करें, मास्टर चक्र को ठीक करें, बस प्राप्त कर लें आप जो भी प्राप्त करना चाह रहे हैं। कोई और असुविधा हो तो आप मेरे से दोबारा संपर्क कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की, जिसे जीवन शक्ति का केंद्र कहा जाता है। ये जीविका का भी आधार है। ये पीठ में रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले स्थान पर होता है। मूलाधार चक्र मूलतः 2 वजह से खराब होता है, पहला कम एनर्जी से और दूसरा ज्यादा एनर्जी से, जिसकी वजह से आर्थिक संकट, जोड़ों के दर्द सहित हड्डियों के सभी रोग और यहाँ तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी होती हैं। साथ ही अगर आपका आभा मंडल खराब है तो आपके ग्रहों की स्थिति भी खराब होगी। ऐसी दशा में सारे उपाय और इलाज भी बेअसर होते हैं, लेकिन आप इस चक्र को ठीक करके अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदल सकते हैं।
अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी समस्या परेशान कर रही है तो सावधान हो जाइए। किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार करने के बजाय तत्काल अपने इस चक्र को ठीक करें और मुक्त हो जाइए समस्याओं से। इसके लिए तत्काल अपनी एनर्जी डिकोड कराएं और पता करें आखिर खराबी क्या है आपकी एनर्जी में और इस चक्र में। इसके लिए आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें जिसमें आपकी एनर्जी की जांच करके बताया जाएगा कि ये चक्र कब अच्छा है और कब खराब होगा। यही नहीं, आपकी एनर्जी के मुताबिक इस चक्र को ठीक करने के विशेष उपाय बताए जाएंगे जो बिल्कुल घरेलू और सरल होंगे। उनको करने में ना कोई सामान लगेगा और ना ही कोई पैसा। उठते बैठते हंसते खेलते इन उपाय को करके आप अपने चक्रों को ठीक कर ही लेंगे। आपका जीवन सुखी हो बस यही हमारी कामना है। अब आप अपनी समस्या का कारण खुद ही पता लगा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल पर चेक योर एनर्जी ऐप डाउनलोड करें या www.shivsadhak.com पर जाकर समस्या समाधान फॉर्म प्राप्त करें। उसी समय पता चल जाएगा कि आपने ऊर्जा चक्रों में क्या क्या खराबी है। उन्हें ठीक करने के लिए सिद्ध कराकर घर में एनर्जी बैग स्थापित करें। सभी जानते हैं एनर्जी ठीक होते ही समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कलर ऑरेंज चार करें से बात कर लेते हैं। जी बताएं। हेलो जी, मैं अनिल बोल रहा हूं। नाम बताएं। अनिल कुमार। अनिल कहां से बोल रहे हैं? राजस्थान। राजस्थान में कहां से? गंगानगर। अच्छा बताएं क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरा कार है, मेरा काम जी, मेरा व्यवसाय में व्यवसाय में क्या हो रहा है आपके? उतार चढ़ाव होता है कभी, उतार चढ़ाव होता है। क्या काम करते हैं आप? हाँ जी मैं रेडीमेड का काम करता हूँ। थोड़ा तेज बोले। रेडीमेड का काम करता हूँ। रेडीमेड का काम। तो आप आंखें बंद करें, तीन बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी सी डीएनए की एनर्जी आपकी प्रभावित हो रही है। डीएनए की एनर्जी हमारी जब प्रभावित होती है तो उतार चढ़ाव बहुत होता है लाइफ में, अप डाउन्स बहुत आते हैं। इसको ठीक करना है, इसको ठीक करने के लिए आप पितरों की पूजा करा लीजिए। कहीं घर में मत कराइएगा बिल्कुल भी। पितरों के फोटो घर में लगे हों तो तुरंत हटा दीजिए। घी का दिया घर में जलाते हो तो तुरंत बंद कर दीजिए। उसकी जगह सरसों का तेल का दिया जलाइए। घर में नमक के पानी का पोछा रोज लगाइए। नमक के पानी से आप भी नहाइए और आपके परिवार के सभी लोगों से कहिए नमक के पानी से नहाएं, रुकावटें हट जाएंगे, अप डाउन्स रुक जाएंगे। भगवान शिव को गुरु बना लीजिए, उनको राम राम सुनाया करिए गुरु दक्षिणा के रूप में। बस जिंदगी में सुख स्थापित हो जाएंगे। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। एक कलर और इंतजार करें, इससे बात करें। लेकिन इससे पहले बता दें महासाधना में अब आपकी बाध्यता कम हो गई ना। सुबह शाम दोनों टाइम बैठना था, आपकी जगह मैं मेहनत कर लूँगा। पहले मुझे 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को बैठ के आपके लिए काम करना होता था, अब मुझे 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को करना होगा, रात में करना होगा। मैं कर लूँगा आपके लिए, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जितना कुछ भी मुझे जीवन में करना पड़ेगा, आप हमारे अपने हैं। आप जब एक विश्वास लेके मुझे सुनते हैं अपने घर में बैठ के, तमाम इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम छोड़ के आप मुझे सुन रहे होते हैं, वो आपका विश्वास है। और इस विश्वास के बदले में आपके जीवन में सुख स्थापित हो, ये मेरा फर्ज है। मैं अपने फर्ज को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पे खर्च कर लूँगा। महासाधना के लिए आप टीवी स्क्रीन पे स्क्रॉल में देख रहे हैं, मंत्र भी लिखे हुए हैं, कब कब क्या क्या करने हैं ये भी लिखा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पे हमारे साथियों ने एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, पूरी जानकारी महासाधना की वहाँ पड़ी हुई है। आप उस पर जाएँ, डाउनलोड कर लें, देख लें। हमारी इंटरनेट की जो साइट है mrityunjayyog.com, वहाँ से भी आप जानकारी को ले सकते हैं। किसी भी तरह से महासाधना में शामिल हो जाइए। आपके जीवन में रोज जो एक प्रताड़ना आ गई है घर जीवन में, समस्याएं समस्याएं समस्याएं, इनसे मुक्त होना है, होना पड़ेगा और होना चाहिए। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको बीच में कहीं भी भटकने लटकने नहीं दूंगा, आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। बस मैं जो बताता जाऊं करते जाइए। सिर्फ 10 मिनट मुझे आपके रोज चाहिए, चाहे सुबह और चाहे रात में दे दीजिए। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, आपने मुझ पर विश्वास किया है, अब आपके जीवन की तमाम जिम्मेदारियां मैं अपने ऊपर लेता हूं और मैं आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। कॉलर इंतजार करें से बात कर लेते हैं। जी बताएं। हेलो जी। हेलो, मैं गुरुजी, ओम नमः शिवाय। राम राम। गुरुजी मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है ना, हमारे घर में कोई काम बनते है ना, बच्चों के काम बन रहे हैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? संतोष।
संतोष। आप आंखें बंद करें, तीन बार ओम नमः शिवाय बोलें। कुछ और बताना चाह रही हैं, कहना चाह रही हैं? हाँ गुरु जी, कोई भी काम नहीं बंद, बच्चों के भी, हमारे भी, मेरे पति को भी डायबिटीज है, मेरे को भी डायबिटीज है। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। पति क्या करते हैं आपके? हमारा तो जी आज का काम है मंडी में। अच्छा ठीक है, आप आंखें बंद करें, तीन बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुस्सा आता है आपको? हाँ जी। क्यों? ऐसे चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है गुरु जी। गुस्से की वजह से आपकी एनर्जी बहुत बिगड़ रही है, उसकी वजह से आपका शरीर रोगग्रस्त हुआ जा रहा है। इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, इस पे कंट्रोल करना आसान नहीं आज की तारीख में। जो ऊर्जा मैं आपकी रीड कर रहा हूँ, वहाँ मणिपुर चक्र आपका कंजेस्टेड हो रहा है, पिनियल ग्लांड आपकी कंजेस्टेड हो रही है, पेनक्रियाज आपका कंजेस्टेड हो रहा है, और मूलाधार चक्र और सेक्स चक्र, इतनी चक्र आपके बिगड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप अपने जीवन को जिए डाल लें, लेकिन इससे बाहर निकलना पड़ेगा। निकलने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिन चक्रों का मैंने नाम लिया इनको ठीक करना है, इनको अच्छे तरीके से साफ करना है। यहाँ बहुत गंदी एनर्जी इकट्ठी हो गई, इसको निकाल के बाहर फेंक देना है, फिर इनको ऊर्जित कर देना है, एनर्जाइज कर लेना है, स्वस्थ हो जाओगे आप, दवाइयाँ लगने लग जाएंगी। यही आप अपने पति के साथ कराइए, कामकाज भी बनेगा, घर में सारे काम होने लग जाएंगे। नमक के पानी का पोछा लगाइए, घर के सभी लोग नमक के पानी से नहाइए। नमक की खासियत ये होती है कि नकारात्मक ऊर्जाओं को तोड़ देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, डिसइंटीग्रेट करता है। पानी अपने अंदर उन ऊर्जाओं को, खराब ऊर्जाओं को सोख लेता है और नाली में ले जाके बह जाता है, डिस्पोजल यूनिट में वो ऊर्जाएं चली जाती हैं, आपके पास वापस नहीं आती। इस तरह से आपका काम बनने लग जाता है, रुकावटें हटने लग जाती है, आप स्वस्थ रहने लग जाते हैं, चेहरे पर चमक आने लग जाती है। नमक के पानी से आप नहाना शुरू करें सभी लोग, कोई खर्च नहीं आना है उसमें, और आप देखेंगे 15 दिन बीतते बीतते आपके चेहरे पे अलग से ग्लो बढ़ने लग जाएगा, बड़ी करिश्माई तरीके से असर मिलते हैं इसके। आप एक यज्ञ कराने बैठे, उस यज्ञ में 10-12 ब्राह्मण बैठे, बड़ी ईमानदारी से वो यज्ञ करें, उसका प्रभाव भी हो सकता है उतना ना मिले जितना नमक के पानी से नहाने से मिलता है। तो नहाएं, फायदा उठाएं, भगवान ने ये सुविधा आपको दी है। इशारा हो रहा है एक ब्रेक का, थोड़ी देर बाद फिर आपके बीच आएंगे। मेधावी एनर्जी बैग, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जिन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जो परीक्षा के समय जवाब देते वक्त नर्वस हो जाते हैं, वे मेधावी एनर्जी बैग से अपनी एनर्जी को ठीक करें। इससे आभा मंडल में पढ़ने की एनर्जी क्रिएट होती है, उनकी याददाश्त का केंद्र थर्ड आई चक्र सक्रिय होता है, आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, जिससे कंफ्यूजन दूर होता है और एग्जाम के समय सटीक जवाब देने की क्षमता बढ़ती है। शिवप्रिया अभी मेरे साथ हैं, आपकी समस्या मैं सुन रहा हूँ, ये भी सुन रही हैं और आपको समाधान देंगी। ये समाधान तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपकी ऊर्जाओं को ये ठीक करेंगे, विशेष रूप से घर जाके, और बड़े चमत्कारिक तरीके से नतीजे आएंगे आपके जीवन में। सो आप इनको थैंक यू बोलना मत भूलिएगा जब आपके जीवन में, जिन लोगों से मेरी बात हुई रही है, कल से ही आपके जीवन में बदलाव दिखाई पड़ने लग जाएगा जब ये आपकी एनर्जी को ठीक करेंगी। तो मन ही मन में इनको थैंक यू बोलिएगा, भगवान शिव को धन्यवाद देना कभी मत भूलिएगा। मुझे भूल जाइए, इनको भूल जाइए, दुनिया को भूल जाइए, भगवान शिव को कभी मत भूल जाइएगा। उनकी वजह से मैं आपकी सेवा में लगा हूँ, वही पकड़ के बैठाते हैं आपके बीच में मुझे ला करके। सो उनको थैंक यू बोलना कभी मत भूलिएगा, उनको अपना गुरु बना के रखिए। तो बोलिए एक बार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो लोग महासाधना कर रहे हैं, कॉलर से आग्रह करूंगा थोड़ा इंतजार करें, जो लोग महासाधना कर रहे हैं और वो किसी वजह से शारीरिक व्यायाम नहीं कर पाते हैं, तो वो इसी तरह से हर हर महादेव, मुट्ठियों को बंद कर लीजिए और हाथों को ऊपर उठाइए जोश में, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, इस तरह से 5 मिनट बोलिएगा। शारीरिक व्यायाम अगर डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है किसी बीमारी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो आप इस तरह से इस व्यायाम को करेंगे, हर हर महादेव की ऊर्जाएं ले लेंगे, मूलाधार चक्र आपका उसी समय शोधित होगा, अनाहत चक्र उसी समय शोधित होगा, बड़ा हो जाएगा और फिर मज़ा आएगा आपको, असली आनंद आएगा महासाधना में। तो आप इस तरह से कर लें, अगर क्योंकि महासाधना शुरू करने से पहले और बाद में 5-5 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो जरूर करें और हर हर महादेव का भी सहारा लें, चूँकि इस मंत्र में मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्यों आपको इतना ज़्यादा एनर्जी से भर देता है, किस तरह से एक थके हुए, एक फंसे हुए व्यक्ति को भी आगे निकाल देता है। आप भी इसको करते रहें, लगातार करते रहें, इसमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूँ आपको, इसका उपयोग करें। कॉलर से बात कर लेते हैं, जी बताएं। हेलो,
हेलो जी। पंडित जी नमस्कार। राम राम। पंडित जी मेरा कुछ हो नहीं रहा है, बताइए ना प्लीज क्या करना चाहिए। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्या नहीं हो रहा आपका? हाँ। क्या नहीं, नहीं हो रहा, मतलब कोई काम ही नहीं बन रहा, ना कोई नौकरी का काम हो रहा है, ना कुछ मतलब आर्थिक तंगी बहुत हो। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? पवन। पवन, क्या करते हैं आप? मैं पहले नौकरी करता था, लेकिन 2-2.5 साल से अभी कोई नौकरी भी नहीं है और बहुत दिक्कत हो रही है। मैं देख लेता हूँ आप कहाँ फंसे हुए हैं। आप आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पवन, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, उपाय वगैरह आपके फलित नहीं हो रहे, पूजा पाठ भी फलित नहीं हो रहे, सिर्फ जरा सी मामूली सी रुकावट है आपकी एनर्जी में, वो आपकी डीएनए की एनर्जी फंसी हुई है। आप अपने कुल देवता की पूजा करिए, जहाँ भी उनका स्थान है वहाँ जाइए दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ा के आइए। वहाँ वहाँ तो जाए पंडित जी, वहाँ भी जाए। वहाँ जा रहे हैं आप? जा के आ गया। फिर जाइए आप वहाँ पे, और जो वहाँ की परंपरा है, जब कुल देवता जो हमारे होते हैं वो कोई भी देवता हो, वहाँ की परंपरा के मुताबिक कुछ चीज़ें वहाँ पे चढ़ानी होती हैं, प्रसाद अलग तरीके का चढ़ाना होता है और कुछ क्रियाएं होती हैं वहाँ पे। अपने पूर्वजों से पूछ लीजिएगा, जो लोग जिंदा हों अभी आपके परिवार में, पुराने लोग, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, उनसे आप डिस्कस कर लीजिएगा कि क्या परंपराएं वहाँ होती हैं। उन परंपराओं के मुताबिक आप वहाँ पे आप सब कुछ करके आइएगा। आप बिल्कुल भी दुविधा में पड़िएगा, वहाँ से एनर्जी क्लीन हो जाएगी, अच्छे नतीजे आएंगे। इसके साथ मूलाधार चक्र को आप ठीक कर लें, मास्टर चक्र को ठीक कर लें, लोगों की आलोचना ना किया करें आप। आप लोगों में कमियां ढूंढेंगे, आलोचना करेंगे, आपकी एनर्जी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, लीकेज हो जाती है और आपके काम होते होते रह जाएंगे। हर बार आपके सामने एक शिकायत आएगी कि मेरा काम होते होते रह गया। अब ये शिकायत बंद हो जानी चाहिए। इसके साथ में जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो आपने एक ऐसी लाइन सामने खींच दी है कि कुछ नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड एक आपके पास में है, अवचेतन मत, इसकी शक्तियाँ विशाल हैं, भगवान की तरह इसकी शक्तियाँ हैं। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं बेकार हो गया हूँ, जिंदगी में मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, लोग मेरा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, बदले में मेरा नुकसान करते हैं, मुझे बुराइयाँ मिलती हैं, जिसने इन चीज़ों को स्वीकार कर लिया उसने अपने जीवन को तबाह कर दिया। तो बदल दीजिए इस सोच को और आज से ही आप अपने आप को स्वीकारिए। कुछ कैसे नहीं हो रहा, आप जिंदा हो ना, कैसे जिंदा हो अगर कुछ नहीं हो रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, स्वस्थ हो और बस जो टारगेट आपने फिक्स किया था अभी वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, केवल इतनी सी बात है, पहुँच जाओगे जो मैंने बताया हुआ है। सभी लोग ध्यान रखें, महासाधना में जरूर बैठे, आप भी महासाधना में बैठना शुरू करिए, कुंडली जागरण रुद्राक्ष ले लीजिए, गले में धारण कर लीजिए, पहन के बैठ जाइए 10 मिनट, उस 10 मिनट में आपकी ऊर्जा मैं ठीक कर दूंगा और आपके पास होने लग जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है आज से आपके जीवन में निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा, बस महासाधना में शामिल हो जाइए, अपने चक्रों को ठीक करिए, एनर्जी रिपोर्ट का सहारा लीजिएगा, चक्र ठीक हो जाएंगे। और ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है, डीएनए की एनर्जी आखिर क्यों बार बार बिगड़ जाती, क्या ऐसा करिश्मा है? जिस ऊर्जा को आपके आपकी मदद के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए बनाया गया है, सजाने के लिए बनाया गया है, कदम कदम पे, क्षण क्षण पे जो ऊर्जा आपका साथ देगी, जो आपकी मदद करेगी, वही ऊर्जा आपके लिए घातक कैसे हो गई, वही कैसे आपके लिए घातक हो गई ऊर्जा? क्यों आपकी डीएनए की एनर्जी बिगड़ जाती है और कैसे तबाह करती है जीवन को जब ये बिगड़ती है, कैसे आपको राजा बना देती है जब ये बनती है, कल मैं आपको बताऊंगा। आज इशारा हो रहा है समय समाप्ति का, तो कल मिलेंगे दोबारा आपके साथ, फिर आपसे डिस्कशन करेंगे, फिर समस्याएं सुनेंगे, समाधान देंगे। शिवप्रिया जी से आप अनुरोध करेंगे कि जरूर ये आपकी समस्याओं को हल करें जो आज इन्होंने सुनी है। तब तक के लिए राम राम। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। प्रणाम गुरुजी। करीब गुरुजी से मैं 1.5 साल से 2 साल हुआ मैं मृत्युंजय योग में जैन की हूँ। कई दिनों से मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती थी। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे कई पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, ऐसे मुझे फील हो रही थी। अभी मैं साधना में आई हुई थी। साधना में जैसे पहला दिन से मेरे को फील हुआ कि
कि तरह तरह की मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मेरे को फील हो रही है। पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ से जैसे लग रही है, मतलब परिवेश से, बड़ी से जैसे लग रही है थी मेरे को, कि सारे नेगेटिव एनर्जी निकलते जा रही है और पॉजिटिव एनर्जी आते जा रही है। उस दिन का एहसास तो इतना खुशियाँ थी मैं बता ही नहीं सकती। सेकेंड डे जो फिर हुआ, गंगा किनारे में जब रही थी, उसमें जैसे लगा मेरे को कि कोई वहाँ से पहले जैसे पूरा पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ से तरह तरह की एनर्जी आ रही थी। कमर से ऊपर बहुत पॉजिटिव फील हो रही थी, खुद को लग रही थी मैं देवी की एनर्जी इतनी मेरे अंदर आ चुकी थी कि लग रहा था कि मैं खुद ही मेरे अंदर का जो पॉजिटिव एनर्जी माता जी का, मैं खुद ही एहसास कर रही थी कि मेरे सर में कुछ है। कोई जैसे लगा कि कोई आके बगल में बैठा हुआ है, सर में सोने के मुकुट डाल दिया, ऐसे लग रहा था मेरे को, फील हो रही थी और अंदर से फील हो रही थी। बीच बीच में जैसे लगती थी थोड़ा सा गुरुजी आके एनर्जेटिक कर रहे हैं लग रही थी। और मेरा कहाँ था, मेरा सब कभी कुछ हुआ था नहीं हुआ था, कुछ गैप हो गई थी मेरे को, बहुत ही आनंद मिल रही थी। और गुरुजी का जो ये मेरे को पॉजिटिव एनर्जी जो जितना मेरे को फील हुआ है, जो साधना की जो यखिनी माँ की जिस तरह के एहसास दिलाए हैं, दिखे हैं, ये शायद जिन लोग दिखे हुए हैं उन लोग ही बता सकते हैं इसको, एहसास को लोग जबान में बोलना की बातें में बोलना मतलब नामुमकिन लगती है मेरे को। उसका जो खुशियाँ थी, कल जैसे मैं बैठी हुई थी लगी कि मेरे को माँ ही आके सामने बैठ गए हैं, उसके साथ वार्तालाप हुई, तो मैं बोली अब अभी अभी तो शुरू हो रही है। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब खुशियाँ से आंसू भरने लगी। उनकी जो आशीर्वाद है उनकी तरफ से, भगवान की तरफ जो मैं उनका जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे को मिली हुई है, इसको शायद मैं बातों में बखान नहीं कर सकती। मेरे गुरु जी को सत सत प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी। जिनके काम होते होते रह जाते हैं, कर्ज जिनका पीछा नहीं छोड़ रहा, बीमारियां जिन्हें जीने नहीं दे रही और कलह ने जिनकी खुशियों में जहर घोल दिया है, वे लोग तत्काल अपना और एक अनुष्ठान कर लें। इसमें गुरुजी शक्तिपात करके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को ठीक करते हैं, जिसमें आपकी कुंडलिनी सहित सभी आंतरिक शक्तियों का जागरण हो जाता है। उसके बाद रुद्राभिषेक और यज्ञ किया जाता है, जिससे जन्मों जन्मों से चली आ रही दुख देने वाली ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और भाग्योदय हो जाता है। और एक अनुष्ठान के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन कराएं। गुरुजी की कामना है कि सबका जीवन सुखी हो, सभी हो रोग मुक्त, सुख समृद्धि सबको मिले, सभी रहें भय मुक्त। आइए गुरुजी के इसी अभियान में देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक दान करें। शास्त्र कहते हैं रुद्राभिषेक से ग्रह पीड़ा, वास्तु पीड़ा, पितृदोष की पीड़ा, यहाँ तक कि देव बाधाएं भी हट जाती हैं और जीवन में स्थापित हो जाती है सुख समृद्धि। इतना ही नहीं, इससे मृत्यु भय भी दूर हो जाता है। एक रुद्राभिषेक सैकड़ों महायज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। एनर्जी विज्ञान के मुताबिक ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि रुद्राभिषेक के समय न सिर्फ हमारी आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई होती है, बल्कि ऊर्जित होकर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। तो आए और एनर्जी गुरु के द्वारा कराए जा रहे सहस्त्र रुद्राभिषेक का हिस्सा बने। घर बैठे ही रुद्राभिषेक का दान करें, महारुद्राभिषेक का लाभ उठाएं। संपर्क करें 09210500800। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। मृत्युंजय योग फाउंडेशन, 23 संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली 34।